Morning, students. हम लोग बॉय प्रश्नावली 2.1 को कल हल किए थे, जिसमें बहुपद के बारे में बहुपद को पहचाना, कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, बहुपद का घात कितना है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 में बहुपद का मान ज्ञात करने को, बहुपद का शून्य ज्ञात करने पर प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है 2.2 प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है बहुपद 5x-4x² + 3 का मान ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है x = 0, x = 1, x = 2। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? पहला है यदि x = 1 हो तो इसका मान है 5x - 4x² + 3। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 1 - 4 × 1² + 3 = 5 × 1 = 5 और 4 × 1 = 1 हो गया, तो यहाँ 4 ही हो जाएगा प्लस 3। इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 × 3 = 8, 8 - 4 = 4। इसी तरह से दूसरा है x = -1 हो, अब x के जगह पर -1 रखना है, तो 5x - 4x² + 3 में x के जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5 × -1 - 4 × -1² + 3। इसको हम लिख सकते हैं 5 × -1 + 4 × 1² + 3। 5 × -1 से गुना होगा तो -5 + 4 + 3, 4 × 3 = 7, 7 × 5 घटेगा तो -1। इसी तरह से x = 2 रखें। तीसरा है x = 2 रखने का, तो यहाँ इससे ये जो समीकरण है 5 × 2 - 4 × 2² + 3, तो ये हो गया 5 × 10 - 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 16 + 3, तो 10 × 3 = 13 - 16 = -3। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि x का मान क्या रखने पर, x का मान इस सब रखने पर इसका मान ये आता है। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक बहुपद के लिए P₀, P₁ और P₂ का मान ज्ञात करें। तो P₀ रखेंगे, यहाँ y के जगह पर जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे, तो P₀ = 0² - 0 + 1 = 0² - 0 + 1 = 1 आंसर हो गया। इसी तरह से P₁ रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1² - 1, y के जगह पर 1 रखें तो 1² - 1 + 1 = 1 - 1 + 1, तो ये 1 + 1 = 1 आंसर हो गया। इसी तरह से P₂ रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो हो गया 2² y के जगह पर 2 + 1, तो ये हो गया 2² - 4 - 2 + 1 = 4 × 5, 5 - 2 = 3। अब इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है P₂ = 2 + 3 + 2t² - t³। तो यहाँ पर P₀ रखेंगे, P₀ = 2 + 0 + 2 × 0² - 0³, तो इसका मान हो गया 2 + 0 और 0² में 2 से गुना होगा तो ये भी हो जाएगा 0 - 0 = 2 आंसर। इसी तरह से दूसरा है P₁ रखेंगे,
ये तो प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर वन में दो से कितना होगा था दो माइनस वन, ये हो गया दो एक तीन दो पाँच, पाँच माइनस एक बराबर चार आंसर। इसी तरह से पी टू दो वाला रखना है कहना दो दो प्लस दो प्लस दो इंटू दो स्क्वायर माइनस दो पी, तो ये हो गया दो प्लस दो प्लस ये दो की चार दुनिया माइनस ये दो का क्यूब बराबर आठ आठ कट गया दो की चार चार हो गया आंसर। इस तरह से जो मान दिया हुआ रहेगा हम इसका ये जो दिया हुआ है उससे हम ये बहुपद का मान दिया था। हम इसका सत्यापित करें कि दिए गए मान बहुपद का शून्य है या नहीं है। इसमें तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। इसमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस वन एक्स बराबर एक बटे तीन, तो यहाँ एक्स के जगह पर एक बटे तीन रखना है, तो पी वन बाई थ्री बराबर थ्री इंटू वन बाई थ्री प्लस वन, तो तीन तीन कैंसिल वन प्लस वन बराबर जी दो, ये जीरो नहीं आया आता एक्स बराबर वन बाई थ्री शून्य नहीं। अब दूसरा है एक्स बराबर चार बटे पाँच, यहाँ पर दिया है फाइव एक्स माइनस फाइव, तो हम यहाँ पर एक्स के जगह पर फोर बाई फाइव रखते हैं, तो फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस फाइव, तो ये फाइव फाइव कट गया फोर माइनस फाइव, ये भी जीरो नहीं है अतः यह भी शून्य नहीं है। अगर जीरो आ जाएगा तभी शून्य होगा। और इसमें है एल एक्स के जगह पर एम करके एल प्लस एम एल एल कैंसिल एम प्लस एम बराबर टू एल, ये भी जीरो नहीं है ना, ये जीरो के बराबर नहीं आता ये शून्य नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीन तक हम बता दिए। इसमें जो जो क्वेश्चन और सब बाकी है ये सब होमवर्क में रहा। क्वेश्चन नंबर फोर तुम लोगों को अपने से बनाना है। अगले दिन